हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है बिहार का इतिहास। इसमें जानेंगे आधुनिक काल में यूरोपियन का बिहार में आगमन और विद्रोह एवं प्रतिरोध। पहला सवाल, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, इन चारों में कौन सही है बताइए। ए पटना भागलपुर, बी गया पूर्णिया, सी भागलपुर गया, डी आरा सहारा। ये बताइए इन चारों में कौन सही है। इसका आंसर ए है, पटना भागलपुर। चलते हैं दूसरा नंबर। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, मतलब कौन थे, बताइए इन चारों में कौन सही है। अंग्रेजी मतलब अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी, डी डच। ये बताइए। इसका आंसर बी है, पुर्तगाली। आगे, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। ए 1630 ईस्वी में, बी 1631 में, सी 1632 में, डी 1633 में। ये बताइए, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। ऐसे तो अंग्रेजों ने, चलते अंग्रेजों के बारे में आगे है, तो इसका आंसर सी है, 1632 में। चौथा नंबर, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था। ए 1650 में, बी 1651 में, सी 1652 में, डी 1653 में। ये बताइए। इसका आंसर बी है, 1651 में अंग्रेजों ने किया था, 1651 में। तो डचों ने कब किया था, 1632 में। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है। चलते आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, फ्रांसीसी व्यापारियों का केंद्र कहाँ था। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था, बताइए कौन सा है। ए पटना, बी भागलपुर, सी चंद्रनगर, डी गया। जी हाँ बताइए, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र होगा, यहाँ व्यापारियों ने व्यापारिक केंद्र था, बताइए चारों में कौन है। ए पटना, बी भागलपुर, सी चंद्रनगर, डी गया। इसका आंसर सी है, चंद्रनगर। आगे, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे, मतलब क्या कारण थे, इन चारों में आपको बताना है। ए हल्का तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना। बी यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध। सी भारत की संपन्नता, डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे सातवां नंबर, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था। ए फ्रुक्सियर, बी मुराद, सी परवेज, डी आजम। ये बताइए। इसका आंसर ए है, फ्रुक्सियर। आगे, किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोप व्यापारियों को पटना में लूट लिया था। जी हाँ, पटना में लूट लिया था। ए परवेज, बी खुर्ते, सी फ्रुक्सियर, डी अजीम। जी बताइए। इसका आंसर सी है, फ्रुक्सियर। आगे, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की
हाँ, स्थापना किस वर्ष हुआ था? औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए 1764, बी 1765, सी 1766, डी 1767 में, ये बताइए। इसका आंसर डी 1767 में। ठीक है, आगे दसवां नंबर। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन था कब से कब तक था? बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन था, बताइए कब से कब तक है? ए 1764 से 1771 तक, बी 1865 से 1772 तक, सी 1766 से 1773 तक, डी 1767 से 1774 तक। बी का तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि 1865 आ गया। अब बताइए इन तीनों में कौन सही है? 1764 से 1771 तक, सी 1766 से 1773 तक, डी 1767 से 1774 तक, बताइए। इसका आंसर डी है 1767 से 1774 तक। आगे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? जी हाँ, सिया मुगल बादशाह शाह आलम को, जी हाँ बताइए। ए 24 लाख, बी 25 लाख, सी 26 लाख, डी 27 लाख। जी हाँ, इसका आंसर सी है 26 लाख। आगे, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नया नायब बना था, यानी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना था, मतलब कौन था इन चारों में? कब बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होने होते, मतलब होने के बाद बिहार का नायब बना था, कौन था? ए सिताब राय, बी धीरज नारायण, सी रजा खां, डी मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम, ठीक, बताइए इनमें कौन सा आंसर सही है? ए, इसका आंसर ए है, सिताब राय। चलिए 13 नंबर, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? जी हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? ए मेनरिक ने, बी पीटर मुंडी ने, सी तेवरनिये ने, डी जॉब चार्नाक ने, जी बताइए। इसका आंसर सी है, तेवरनिये ने। ठीक है, आगे, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से, जी हाँ, कंपनी सरकार ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? जी हाँ, कंपनी सरकार को 28 पाउंड, 29 लाख पाउंड, या 30 लाख पाउंड, या 31 लाख पाउंड, जो बताइए। 28 लाख पाउंड, 29 लाख पाउंड, 30 लाख पाउंड और 31 लाख पाउंड, बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर सी है, 30 लाख पाउंड। 15, बिहार में द्वैध दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी, बिहार में द्वैध शासन से अराजकता फैल गई थी, इस अराजकता के समय चौथ वसूले थे, यह किसने? मराठे से, सिख, अंग्रेज, पठान, जी हाँ, इसका आंसर डी है, मराठे। आगे 16 नंबर, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? ए पठानों से, बी मराठों से, सी सिखों से, डी मुगलों से, जी बताइए। इसका आंसर बी है, मराठों से। आगे, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? जी हाँ, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, जी बताइए। 1768 में,
1770 में, 1772 में, 1774 में, जी बताइए। 1770 में हुआ था, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद ही गोलघर बनाया गया था बिहार में। ठीक है, आगे। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे, इन चारों में क्या थे बताइए। पहला यानी ए राजस्व वसूली, बी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सी सभी को नियंत्रण में रखना, डी उपर्युक्त सभी। जी बताइए, इसका आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। 19 नंबर, बिहार में नोनिया विद्रोह का कारण था, मतलब क्या कारण था, 1770 से 1800 में हुआ था बताइए। पहला ए सोडा, बी मसाला, सी मछली, डी वस्त्र। इसका आंसर ए है, सोडा। जी हाँ, आगे 20। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीन की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था। ए सन्यासी गुरुओं का, बी सिख गुरुओं का, डी पंडितों का, डी मौलवियों का। ये बताइए इसमें से कौन सही है। इसका आंसर ए है, सन्यासी गुरुओं का। आगे 21 नंबर, बीरभूम जिले में किस जनजातियों बीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरोध किया था। ये बताइए, वर्तमान में संथाल परगना है। ए संथाल, बी पहाड़िया, सी मुंडा, डी हो। इसका आंसर क्या हो बताइए। इसका आंसर बी है, पहाड़िया। ठीक है, आगे 22। मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, इसे कोल विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1832 में, 1832 दो दो आ गया है। ठीक है, आप चलते हैं सी 1833 में, 1834 में, बताइए इन चारों में कौन सही है। इसका आंसर ए और बी है, 1832 में। ठीक है, आगे संताल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है, बताइए। ए 1854 में, बी 1855 में, सी 1856 में, डी 1857 में। जी बताइए, संथाल विद्रोह 1855 हुआ था, इसका आंसर बी है। ठीक है, आगे लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था, ए पटना में, बी गया में, सी भागलपुर में, डी मुजफ्फरपुर में। जी बताइए, इसका आंसर मुजफ्फरपुर में, 1856 में कैदियों ने विद्रोह किया था लोटा विद्रोह का, क्योंकि उस समय मिलता था पीतल का लोटा, बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, उस कैदियों को मट्टी के लोटे देने लगा, बर्तन देने लगे, इसका विद्रोह कर रहे थे वो। आगे बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, मतलब वो केंद्र कहाँ था, ए गया में, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। जी हाँ, बहावी आंदोलन, जी बताइए, इसका आंसर सी है, मुजफ्फरपुर में। यहाँ तक बनाने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देखे हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है मित्रों, अब आगे आपकी मर्जी।